एक और चीज इसके अंदर हमें डिस्कस करनी चाहिए वो ये कि ये तो हमने पढ़ ली लहन लहन के बारे में ना, मे बी आपके जहन में ये बात आ रही हो कि ये तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं और हम तो बहुत सारी करते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए ना। तो आप देखें कि इसके बारे में ना हमारे पास डिफरेंट रूलिंग्स हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात का पता होना ज़रूरी है कि तजवीद की एप्लीकेशन कहाँ तक ज़रूरी है, यानी क्या ज़रूरी है भी या नहीं है। आप भी डिफरेंट ओपिनियन सुन रहे हो इसमें। तजवीद की एप्लीकेशन के बारे में जो हुक्म है वो ये कि ये फर्द आइन है। आपने पढ़ा होगा ना कभी कि कुछ उलूम ऐसे होते हैं जो फर्द आइन है, कहते ना तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना या तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज है। अब ये जो उलूम है ना, ये कौन सा वाला इल्म है, इसके अंदर स्कॉलर्स एक काफ़ी लंबी लिस्ट देते हैं कि किस तरह के उलूम फरीदा हैं, नहीं फ़र्ज हैं। उनमें से एक फ़र्ज इल्म तजवीद है। ये हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर इंडिविजुअली फ़र्ज है, मगर एप्लीकेशन ऑफ तजवीद यानी उस्ताद को चाहिए कि वो जब स्टूडेंट को सिखा रहा है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, दरमियानी उम्र का है, बूढ़ा है, वो ये मत परसीव करे कि स्टूडेंट सीख नहीं सकता। ओके लीव इट, क्या ज़रूरत है हाथ के ऊपर वर्कआउट करने की, ये तो सीख नहीं सकते, बच्चे हैं, या क्या ज़रूरत है हम गुन्ना की टाइमिंग्स को लंबा करवाएं, बूढ़े हैं ये नहीं कर सकते। नो, हर उस्ताद को चाहिए कि वो प्रैक्टिकली यानी तजवीद को एज इट इज़ पढ़े और स्टूडेंट से एज इट इज़ डिमांड करे कि आप इसको ऐसे पढ़ें, आप इसे ऐसे पढ़ें, आप इसे ऐसे पढ़ें, ठीक है। यानी आप उसे रिलैक्स नहीं कर सकते किसी भी फैक्टर की वजह से, लो इंटेलिजेंस की वजह से, एज फैक्टर की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से आप उसे एग्जाम्ड नहीं कर सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ये जो है ये फ़र्द है, आइन है, फ़र्द आइन, जो रूल्स को सीखना है ना, तजवीद रूल्स को सीखना है, ये फ़र्द किफ़ाया है। किफ़ाया, फ़र्द किफ़ाया क्या होता है? फ़र्द किफ़ाया होता है अगर आपकी कम्युनिटी में से कोई एकद भी कर लेता है ना, कुछ लोग भी कर लेते हैं, एक इवन एक पर्सन भी सीख लेता है, तो वो आपकी तरफ से भी अदा हो जाएगा, नहीं आपको उसका फिर कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। फ़र्द किफ़ाया है यानी जो रूल्स सीखना है, जैसे अब हम सीख रहे हैं, हम पढ़े ना अच्छा लहंजली कौन कौन सी हैं, इनको निकालना तो हर एक के ऊपर ज़रूरी है, मगर इनको यानी यू रूल्स वाइज सीखना, जैसे हम कहते हैं अच्छा बुक वन पढ़ लें, फिर बुक टू पढ़ लें, फिर बुक थ्री पढ़ लें, ये जो है ये एक्चुअली ये फ़र्द किफ़ाया है। अब इसमें जब हम ये सुनते हैं ना फ़र्द किफ़ाया है, तो हम कहते हैं ओके ठीक है जी, वो भी सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, तो अब हमें क्या ज़रूरत है सीखने की। तो जो असल में मोमिन होता है ना, उसको अल्लाह का कुर्ब चाहिए होता है, और बहुत सारी चीज़ों से हम ये हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों से हम ये ज़्यादा हासिल कर सकते हैं जिनमें लोग अपने हैंड डाउन कर लेते हैं। ओके फ़र्द किफ़ाया है तो आप करके इसको हासिल कर लें, नहीं उस वक़्त अगर हम अपना हैंड रेज करते नहीं मुझे करके ये काम करना है, तो ये यानी ये अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए अच्छा होगा ये काम। तो मुझे लगता है कि फ़र्द किफ़ाया जो है ये एक ऐसी चीज़ होती है किसी भी काम में, जो भी फ़रूद हैं ऐसे जो किफ़ाया के उसमें आते हैं ज़ुमरे में, वो ऐसे होते हैं जो आपको अल्लाह के ज़्यादा करीब करते हैं। फिर इसमें आप देखें कि अगर हम तजवीद को आजकल देखें ना, तो तजवीद का इल्म बहुत कम रह गया, जो सीखे हुए हैं ना वो भी अच्छा नहीं सिखा रहे, उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया ना ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा बच्चा है नहीं सीख सकता, हाँ को क्या निकलवाना, बूढ़ा है तो नहीं सीख सकता, इसलिए हाँ को क्या निकलवाना। यानी ये जो चीज़ें आ गई हैं ना, इसकी वजह से सीखे हुए लोग भी अपना इल्म एज इट इज़ ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, तो इसलिए ज़रूरत है कि कुछ लोग मज़ीद ऐसे सीखें जो कि ताकि ऐसा ना हो कि हमारी नस्लों तक ये इल्म ना पहुंच सके ना। यानी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि हदीस में भी बहुत काम है, तफसीर में भी बहुत काम है, मगर जो
एरिया बहुत निगलेक्ट हो रहा है ना, वो तजवीद है। और फिर आप देखें कि हम तो ये बेसिक तजवीद के ऊपर, जैसे आप लोग शुरू करें ना, ये तो बहुत बेसिक तजवीद है। आप तजवीद की फील्ड को देखें तो ये तो एक इतना बड़ा समंदर है कि आपको समझ नहीं आता कहाँ तक जाए ना, ये बहुत बहुत वास्ट नॉलेज है। तो इसमें ज़रूर कुछ लोगों को, जिनकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा हो, उन्हें आना भी चाहिए और इन्हें पूरी तजवीद जो है वो इवन अशर करात तक जाकर सीखना चाहिए, ताकि हमारी नस्लों तक ये नॉलेज जो है वो पहुंच सके। क्योंकि अब मैंने देखा है कि अशर करात बहुत अरब्स तक महदूद हो गई है, नॉन अरब्स बहुत कम है, गिने चुने आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जिन्हें बाकी वेज ऑफ रीडिंग आते हैं ना। तो जिसमें जो हम एक एक तरीका सीखते हैं उसमें भी हम बहुत प्रोफिशिएंट नहीं होते ना, तो बाकी तरीके तो नॉन अरब्स अब सीख ही नहीं रहे, तो कैसे फिर हमारी नस्लों तक ये इल्म पहुंचेगा ना। इसलिए इसमें हमें ज़रूरत है कि हम इसको अच्छी तरह से सीखें, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड अपना इसमें दिखाएं। एनीवेज इसमें हम फिर और थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये फ़र्द आइन है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है तजवीद की वो सीखना हम सबके ऊपर ज़रूरी है। और जो दूसरी इसमें चीज़ है वो ये कि गुनाहगार कौन होता है, यानी कौन सी मिस्टेक्स करने वाला गुनाहगार होगा। ठीक है, इसमें अब स्कॉलर्स इसको ना डिवाइड करते हैं ग्रुप्स के अंदर, लोगों को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो वो कहते हैं कि वो शख्स जो तजवीद को सीखे हुए है मगर लेजीनेस की वजह से, या जैसे वो होता है ना रमज़ान में जल्दी जल्दी कुरान ख़त्म कर लो, या पाकिस्तान में अगर आपको कभी तरावी सुनने का इत्तेफाक हुआ हो तो ना तो आपको कोई वर्ड समझ आता है, हर्फ तो बहुत दूर की बात, जुमला भी नहीं समझ आ रहा होता है, इतनी तिलावत तेज़ होती है कि आपको नहीं पता लग रहा होता कि क्या पढ़ा जा रहा है। इवन अगर आप कुरान खोलें तो आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो नेग्लिजेंस की वजह से, या आप उसको इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझते, नहीं आपको लगता है कोई ज़रूरत नहीं है तजवीद को अप्लाई करने के लिए, रीड इट वेरी फास्ट, फिनिश द जूज़ इन 10 मिनट्स, यानी अगर ये एटीट्यूड है तो इस तरह का कारी चाहे तजवीद बहुत अच्छी क्यों ना पढ़ सकता हो, ये गुनाहगार होगा। क्योंकि कुरान को उस तरह पढ़ना चाहिए जैसे वो नाजल हुआ है। और बहुत सारे सहाबा स्टूडेंट्स को रोकते थे और वो ये कहते थे कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान कभी ऐसे पढ़ते हुए नहीं सुना, और फिर वो पढ़ के सुनाते थे कि ऐसे पढ़ते थे और जो डिफरेंस होता था वो यही होता था कि लंबी मदूद को लंबा किया जा रहा है और गुना की टाइमिंग्स को पूरा किया जा रहा है। यानी इस तरह से अगर सीखा हुआ शख्स भी बहुत तेज़ी में इन चीज़ों को पूरा नहीं कर रहा तो वो गुनाह उठाएगा। ठीक है, दूसरा वो शख्स गुनाह उठाएगा जो इसको किसी भी वजह से नहीं सीख रहा, यानी वो ये समझता है कि मैं नहीं सीख सकता ये काम, मैं नहीं कर सकता बिकॉज़ आई एम आजमी, यानी कोई भी ओपिनियन है, या मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया हूँ कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता, और वो कोशिश ही नहीं करना चाहता। ठीक है, यानी कोई भी वजह है, बाज़ लोग ये समझते हैं ज़रूरी नहीं है, बस जैसा आता है वैसा पढ़ लो, एक ताल्लुक होना चाहिए, तर्जुमा आना चाहिए, समझ आना चाहिए, रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, अच्छी रीडिंग बेशक ना हो, यानी ये एक कॉन्सेप्ट होना। इससे भी अगर लोग कुरान पढ़ते हैं और वो दुरुस्त नहीं पढ़ते, या वो सीखते ही नहीं हैं, एफर्ट ही नहीं डालना चाहते, तो ये लोग जो हैं गुनाह उठाएंगे। जो लोग सीखते हैं वो सेव हैं, ठीक है, वो गुनाहगार नहीं हैं। इनमें अब दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक वो होते हैं जो सीखते हैं और सीख कर एक बहुत आला दर्जा रीडिंग के अंदर हासिल कर लेते हैं। इनके बारे में बहुत सारी डिफरेंट अहादीस आती हैं कि इनका जो शुमार है वो अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों के अंदर होता है, या अल्लाह ताला इनको अपनी फैमिली करार देते हैं, अहलुल्लाह, अहलुल्लाह ही अहलुल कुरान व अहलुल्लाह, यानी जो अहलुल कुरान है वो अहलुल्लाह है, या बहुत सारी और चीज़ें, यानी ऐसी जिससे आप को एक खुशखबरी मिलती है। लेकिन डेफिनेटली सिर्फ हलक से ही कुरान नहीं होना चाहिए, दिल के अंदर और प्रैक्टिकली भी होना चाहिए, सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो बहरहाल जो लोग सीखते हैं और एक आला लेवल अचीव कर लेते हैं उनका अपना दर्जा है, जो सीखते हैं कोशिश करते हैं मगर वो बहुत अच्छा कुरान नहीं पढ़ सकते,
उन लोगों के लिए दोहरा अजर है, यानी इट्स अ विन विन गेम। जब आप इसको समझते हैं कि नहीं ये जरूरी है और मुझे सीखना है, मुझे इसमें अपनी एफर्ट डालनी है, और जब आप कोशिश करते हैं फिर आप किसी तरह से नुकसान में नहीं है। सीख जाते हैं तो भी आपका एक दर्जा दर्जा है, यानी आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। आप नहीं सीख जाते, अगर आप नहीं सीख सकते, आप उस तरह से नहीं पढ़ पाते, फिर भी आप कोशिश करते हैं, तो आप देखिए ये तो डबल रिवॉर्ड वाली चीज है, यानी ये तो मोर सक्सेसफुल पीपल जो नहीं सीख पाते फिर भी कोशिश करते हैं, खौफ नहीं निकल रहा, फिर तंग होते हैं, दिल की तंगी आती है, क्यों नहीं निकल रहा, मैं तो इतनी कोशिश कर रही हूँ, उस सोच के ऊपर ही आपको दोहरा अजर मिल जाता है। तो यानी सीखना और इसको एक सोच देना कि नहीं इट्स इम्पोर्टेंट और हमें सीखना है, ये दोहरे अजर का बायस है। तो ये इस तरह से लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर हम ये स्कॉलर्स जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम इसे इम्पोर्टेंस नहीं देते, नहीं सीखते, तो फिर हम नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सीख रहे हैं तो फिर आप पढ़ते जाएं, आपका ताल्लुक कुरान के साथ होना चाहिए। हाँ, आप सीखते जाएं और उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं, ठीक है, सही है। तो ये तो लहन और कुछ तजवीद के मुतालिक इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि हम सबको पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, ताकि हम जब इसको पढ़ें तो जैसे वो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अक्सर सवाल करते हैं ना कि नहीं हम इतनी एफर्ट करते हैं तो हम अभी तक ये लेटर ठीक नहीं हुआ, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नहीं, लीव द रिजल्ट्स ऑन अल्लाह, यानी ना तो रिजल्ट मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में हो तो मैं तो आपको एक दिन में तजवीद सिखा लूँ, ना ही जो है वो आपके हाथ में है, ठीक है। आप भी एफर्ट से इसको अचीव नहीं कर सकते, ये अल्लाह का फजल है, वो जब चाहे आपके ऊपर खोल दे, ठीक है, आज खोल दे या साल के बाद खोलो, ये उसके ऊपर है। तो हमें चाहिए कि हम इसके लिए एक एक दुआ वाला एटीट्यूड भी रखें कि ये अल्लाह का कलाम है और हमें अच्छा पढ़ना वही सिखा सकता है, तो हम इस उसी से मांगे कि हमें यानी कुरान को अच्छे तरीके के साथ पढ़ना सिखा दे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इसके अंदर अपना इस तरह का एटीट्यूड रखें, लेकिन जो हमने चेक करना है वो ये कि हमारी सही में कोश यानी हमारी सही में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी कोशिश में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। तो रिजल्ट जो है वो अल्लाह के हाथ में है, अगर हमें आ रहा है अच्छा है, दैट्स गुड, खुश होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो मज़ीद खुश होना चाहिए कि अच्छा अभी हमें दोहरा अजर मिल रहा है और हम कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोशिश का भी अजर देंगे और कोशिश का रिजल्ट भी देंगे।